Hey guys, so welcome to again Kashmir Great Lakes Track Part 2. Unfortunately, rain happened and हमारे पास कोई रास्ता नहीं था एंड वी हैड टू टर्न बैक एंड अनफॉर्चुनेट रेन. एक अच्छी सुबह हुई, सनलाइट आई, कोहरा था बट वी मैनेज्ड. वेट किया 8-9 बजे तक बट सब सही रहा. घोड़ों को बुलाया गया, घोड़े भी बहुत एक्साइटेड थे एंड हम भी बहुत एक्साइटेड थे. एक्साइटमेंट में बकरी बन गए. कौन जाएगा? मैं. सब खुशियां भी निकल रहे हैं आगे. ठीक है, चले फिर. चलो खुशियां सब. चलो चले. हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाय सर. सो हम चल दिए कटसर पास पार करना था. 13,800 फीट टफेस्ट. तो ये रहा हमारा विष्णु सर लेक. सॉरी, कृष्णा सर लेक. कृष्णा सर लेक तो कल देखा था. सो थोड़े नर्वस थे. होगा नहीं होगा कैसे होगा, बट ठीक है. स्टार्टेड. सो टॉप पे पहुंच गए जैसे तैसे पहुंचे. मैं यूजुअली पीछे चलता था, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला कि मैं बहुत. बाकी लोगों तो बहुत आराम से 30 मिनट्स 40 मिनट्स बैठ सकते थे बट हम जैसे ही पहुंचते थे चलो चलो. नजारे यहाँ पे भी बहुत औसम थे. ये रहा एक वाइट शॉट. तो ये हमारी पहली ग्रुप पिक थी कटसर पास में. सब बहुत एक्साइटेड थे. पीछे कौन जाना चाहता था, सबको पार करना था एंड वी डिड. जैसे ट्रैक लीडर्स ने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट तो और खूबसूरत होगा, और वैसा ही था. हमारे ट्रैक लीडर थे जो आगे ही चलते थे, मुश्ताक भाई या इश्तियाक जो भी बोलो दोनों नाम से रिस्पॉन्ड करते थे.
इतना ग्रीनरी जैसे विंडोज के वॉलपेपर। डार्क साइड का सिंबल। सो ये था हमारा कटसर लेक। ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड नहीं किया, वी जस्ट टुक सम स्नैप्स, कुछ वीडियोस लिए एंड चले। We reached camp. Hamara day 6th ka time. हमारे कैंप में किसी ने एक बकरी को एनर्जी बिस्किट खिला दी थी, बकरी फुल चार्ज। सो हमारा डे 6 यहाँ से स्टार्ट होता है, बिकॉज हमने 2-3 वेस्ट किए थे रेन के कारण। सो हमें फिर एक जगह को पास बाईपास करना था जो कि था सतसर लेक। सो इन वन डे हमें अराउंड 20 किलोमीटर्स ट्रैक करना था, विच इज़ नॉट अ स्ट्रेट ट्रैक बाय द वे। 3 पहाड़ियाँ ऊपर नीचे चढ़नी थी हमें, ये फर्स्ट वन। इतना सकरी सकरी और स्टीप कि बस अपने रास्ते पर देखो, नीचे मत देखो। फर्स्ट वाले में ही एक्चुअली मैं तो बहुत थक गया था एंड आई डोंट रिमेम्बर कि बाकियों का क्या हाल था, बट मैं तो थक गया था। एक्चुअली एंकल में पेन भी था, तो देन एक जगह आता है जहाँ से एक नंगा पर्वत करके एक पर्वत है जो कि पीओके में है, तो वो दिखता है। सो इट्स वेरी लाइक नियर टू एक्साइटमेंट टेरिटरी जो कि अभी दिखेगा। वहाँ पे मैंने एरो पॉइंट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू अवर ट्रैक लीडर। वो था ये माउंटेन दिख रहा है अभी, ये था नंगा पर्वत विजन पीओके। इसके बाद बहुत आई थिंक 3-4 किलोमीटर्स का ऐसे फ्लैट वॉक था। देन आया हमारा सतसर लेक। यहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, हार्डली 30 मिनट्स, बिकॉज हम बाईपास कर रहे थे ये पॉइंट। ये जगह फ्लावर से भरी हुई थी, खूबसूरती इन फ्लावर्स में ही थी। इसके बाद ये था हमारा टफेस्ट क्लाइंब। मैं तो जैसे तैसे इसको कंप्लीट किए, इतना टफेस्ट था कि किसी ने वीडियोस भी नहीं लिए, किसी से वीडियो मिल गया मुझे।
फिर ये क्लाइंब करने के बाद बहुत मस्त व्यू था। एंड देन हमें पता चला कि ये हम अभी पहुंचे नहीं हैं, अभी हमें और ऊपर जाना है, जो कि अभी दिखेगा यहाँ जाना है। भगवान, ये पास एक्चुअली में उतना डिफिकल्ट नहीं था, 13,400 feet था, लेकिन एक्चुअली यूजुअली हम लोग ट्रैक स्टार्ट होने के शुरू में ही पास पार करते हैं, देन फ्लैट वॉक कर देते। इस बार हम लोग दो वैली चढ़ के आए थे, थक गए थे, उसके बाद ये चढ़ना पड़ा, विच इज़ अराउंड 13,000, तो हालत ख़राब हो गई थी इसमें। तो ये है हमारा जज पास, 13,400 feet। वी डाइड हियर, पर यहाँ से गंगबल लेक का बहुत अच्छा व्यू मिलता है, ये है क्लियर व्यू। एंड यहाँ पे भी हमने एक ग्रुप पिक ली, आई थिंक हमारी लास्ट ग्रुप पिक। कंप्लीट ग्रुप की नीचे जाते जाते फिर हमें कोहरा मिला, इट वॉज लुकिंग लाइक क्लाउड बट कोहरा था। एंड नेचुरल साउंड ऑफ स्ट्रीम, ऑसम सीनिक ब्यूटीज थी। सनसेट हो रहा था और वादियां वादियां। तो ये था हमारा डे 6 और डे 7 स्टार्ट होता है। ये मेरा फ्रेंड कौशिक, और थैंक्स टू हिम आई एक्चुअली स्टार्टेड विद दिस ट्रैक। तो दिन बहुत सुंदर था, लास्ट दिन मैं बहुत थक गया था, तो आज मैंने सोचा कि आज तो बहुत फास्ट चल रहा। मुझे हमेशा से था कि ये लोग रिवर्स साइड क्यों नहीं बनाते कैंप, और आखिरी दिन विशपुर हुई, ये हमारे घोड़े वाले चाचा जान 35 साल का एक्सपीरियंस था इनको, जो कि हमें वो 35 बार बताते थे। यहाँ हमारे कुछ बहुत ही खूबसूरत शॉट्स आए लेक के, ये हमारा गंगबा लेक था, लास्ट लेक था, बट शॉट्स इतने खूबसूरत इसलिए है क्योंकि सन फेसिंग था शॉट्स, तो बहुत ही क्लियर इमेज वाटर में दिख रही थी माउंटेन्स की, क्योंकि अभी दिखेगी।
एंड वी ऑल गॉट रेडी एंड हम अपने लास्ट डे के ट्रैक के लिए रेडी थे। उस दिन हमें रास्ते में आर्मी कैंप्स भी दिखने थे जहाँ हमें आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है, वो तो वी कॉन्ट शो इन वीडियो लाइक हाईली सेंसिटिव। और ये लास्ट टाइम क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर। इट वॉज डिफिकल्ट, जैसा दुख रहा है वैसा ही था। बहुत लोगों ने कर लिया इजीली, लेकिन बहुत लोगों को डर लगा। एंड ये टाउन ट्रैक ही था तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा, यानी ये हमारा ट्रैक ख़त्म होता है आफ्टर 9 days और 10 days। चकल पूरी बिगड़ गई है, चरा हो गया हम, बट आई कंप्लीटेड 60 किलोमीटर्स एंड 13,000 फीट हाइट्स। कश्मीर तो ब्यूटीफुल था, है और रहेगा, बट आई थिंक ट्रैक को मेमोरेबल आपके फ्रेंड्स बनाते हैं। शायद मेरे लिए ये टीम इतनी अच्छी थी कि मेरे लिए ये मेमोरेबल बन गया। तो मैंने कहा था वीडियोस की शुरुआत में कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पहाड़ी क्यों जाना है, तुम्हें ट्रैक क्यों करना है, कोविड रिस्ट्रिक्शन से कैसे ये वो। मैं बस ये कहूँगा, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। साइन ऑफ।